Hello all. So today I am going to share you one of my good and great experience. एक अच्छा experience आपके साथ आज share करने जा रहा हूँ. As you all know that I have completed my graduation in Electronics and Communication Engineering BTech and I have done my post graduation in VLSI and Embedded System. So I have recently appeared for Deputy Central Intelligence Officer, that is a post of Intelligence Bureau that comes under Ministry of Home Affairs. So the exam is conducted by UPSC, that you know. So UPSC exam conduct करती है और ये examination का मैंने preparation किया था दोस्तों, electronics and communication engineering, electronics and telecommunication engineering, as well as computer science engineering, electronics and instrumentation, IT, ये सभी streams से related जो भी हमारे candidates हैं सभी इस exam के लिए eligible हैं. और इसमें अगर आपने MCA किया हुआ है, इफ़ यू हैव डन मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन आल्सो यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. इट इज़ अ वेरी रेपूटेड एग्जामिनेशन फ्रेंड्स, दैट इज लेवल 10 एंड ग्रुप ए सर्विसेज. सो इट हैज़ वन रिक्रूटमेंट टेस्ट. आफ्टर दिस रिक्रूटमेंट टेस्ट यू विल बी गोइंग टू द इंटरव्यू, ओके, देन योर फाइनल रिक्रूटमेंट वुड बी डन. सो इसका जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट में द सिलेबस वॉज कम्प्लीटली योर टेक्निकल सिलेबस and some portion of logical and reasoning aptitude was also there in the syllabus. So majorly it was electronics as well as your computer science. In computer science you can say computer networks, artificial intelligence, cyber security, these were the major topics which were focused in this examination. So dosto agar aapko chahiye, if you want a video related to the analysis and review of this paper, so definitely put that in your comment section. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी लिख दीजिए कि आपको अगर ये चाहिए इसका रिव्यू एनालिसिस, तो बिल्कुल इसका रिव्यू के से रिलेटेड भी एक वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए. अब बात रहा इस एग्जामिनेशन को देने का, तो फ्रेंड्स ऑलवेज बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, ऑलवेज अपियर फॉर एग्जामिनेशंस. मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हमने एमटेक या बीटेक करके बहुत गलती कर दिया सर, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और इसमें हमको जॉब नहीं मिल रहा है आजकल. तो ये बहुत बड़ा कंप्लेन सभी जगह से सुनने को मिल रहा है. लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से पोस्ट भरा है, इलेक्ट्रॉनिक से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो फ्रेंड्स मानिए आपका नोटिफिकेशन बहुत कम आउट होता है, मैं मानता हूँ इट इज़ वेरी लेस, बट जितना भी है दोस्तों उसमें अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो फ्रेंड्स ऐसा मत मानिए कि उसमें कंपटीशन बहुत हाई चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स आप ही की तरह सोचते हैं दोस्तों. तो ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट्स डाउन हो जाते हैं और वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, ओके. सो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उनसे नम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट, दैट नेवर गिव अप इन लाइफ, ऑलवेज प्रैक्टिस वेल, प्रैक्टिस हार्ड, ओके, बी पॉजिटिव, सक्सेस विल कम टू यू वन डे, ओके. सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम को देने के लिए इसका सेंटर जो बहुत ही कम जगह में था, रेपूटेड सिटीज एंड गुड सिटीज में इसका एग्जामिनेशन था. तो इसका जो मेरा एग्जामिनेशन का सेंटर था, दैट वॉज इन कोलकाता. So I went to Kolkata to appear for this examination, and while I went to there, so I had a good experience of traveling and giving the examination. Actually, अगर आप travel करके जाते हैं ना कहीं और examination देने के लिए, तो उसका कुछ और मज़ा होता है दोस्तों. तो उसी के चलते मैंने कोलकाता में थोड़ा कुछ travel किया और कुछ shots ले लिया दोस्तों. वैसे मैं vlog video तो नहीं बनाता हूँ, I don't make vlog videos, but this time मैंने try किया vlog बनाने का. तो आप बिल्कुल इस वीडियो को मजा लीजिए दोस्तों, लुत्फ उठाइए और बिल्कुल शेयर करके कमेंट्स में बताइए दोस्तों कि कैसा आपको लगा ये व्लॉग. मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ दोस्तों, आप सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए दोस्तों, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से बताइए दोस्तों. आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर DCIO एग्जामिनेशन के लिए आपको अगर इसका रिव्यू चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो जरूर कमेंट्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका रिव्यू बना के मिलाऊंगा. क्योंकि इसका जो है रिव्यू और एनालिसिस अगर आप कहीं ढूंढते हैं यूट्यूब पर, नेट पर, तो बहुत लिमिटेड आपको रिसोर्स मिलेगा दोस्तों, ओके. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, सो ओके, देन एन्जॉय दिस वीडियो. स्टेशन आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं हावड़ा का स्टेशन है, बहुत ही फ्री है दोस्तों. और ये जो सेटअप है मेरे को बहुत अच्छा लगा, दोनों साइड में आप देख सकते हैं आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है और बीच में नज़र आ रहा है आपको रोड. और हावड़ा में टोटल 23 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है.
तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सामने रोड जा रहा है और ये बिल्डिंग है बाहर की तरफ। ये एक इस साइड एक प्लेटफॉर्म है, दो साइड प्लेटफॉर्म है और बीच में आपका रास्ता है, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। देखिए दोस्तों ये सेटअप, मेरे को ये डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगा। ट्रेन से उतरेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अपने गाड़ी से जा सकते हैं, पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे लाके अपने कार को या फिर जो भी बाइक को, और खुला लग रहा है। मतलब प्लेटफॉर्म वन से अगर आप आते हैं दोस्तों, प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 में अगर हावड़ा रेलवे स्टेशन में अगर आप आते हैं तो आपको बहुत क्लमजी टाइप का लगेगा, बहुत आपको कंजेस्टेड लगेगा, लेकिन यहाँ पे खुला आसमान है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी हावड़ा ट्रेन खड़ी है दोस्तों। हावड़ा से पूरी जाएगी 10:40 पर ये छुट्टी की ट्रेन, रात के 10:40 पर, और सुबह 7 बजे पुरी में पहुंच जाएगी। और मैं जिस ट्रेन में जाने वाला हूं वो है आपका हावड़ा से SMBV, यानी कि हावड़ा से बैंगलोर जाने वाली है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 21 पर लगेगी, जो अभी तक आई नहीं है, आने वाली है। कैसा आपको लगा हावड़ा का ये रेलवे स्टेशन? खूबसूरत स्टेशन, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पुराना है दोस्तों। और म्यूज़ियम भी मैंने देखा यहाँ पे हावड़ा का, जो पुराने अंग्रेज़ के ज़माने में जो भी हमारा अंग्रेज़ का शासन था, जो उन लोगों ने हावड़ा का स्टेशन बनाया था, किस तरीके से तब चल रहा था, तो सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से दर्शाया गया है। एक मेमोरी के लिए एक बना लेता हूँ वीडियो दोस्तों, और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ज़रूर से बताइए कैसा लगा ये सेटअप आपको, और अगर आप हावड़ा स्टेशन में गए हैं तो किस तरह आप अपना मेमोरी शेयर करना चाहते हैं, मेरे को ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, और आपको कैसा लगता है हावड़ा का ये खूबसूरत स्टेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही शानदार खूबसूरत स्मृति के साथ।